چند لاگ لبیک لاو بتا لبیک ہن لاگ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 کھڑے رہنا بس آخری ایک بار لا کے پھر استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم پاکستان استاد الکریم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب زید شرف ہو آتاب اللہ عمر ہو آپ کا پھر خطاب ہوگا. کھڑے رہو نا جی تھانوں بیٹھ گئے تھک گئے شیرو جو بھائی ٹھہرو ہوں سپیکر نہیں لانا تیسری باری پھر تسی جمپ لانا ہے پہلے تو لانا لبیک یا رسول اللہ پھر تیسری باری لانا ہے پھر تقریر شروع ہونی لبیک لبیک ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، سامعین گرامی قدر، حاضرین اول الاحتشام، غلامان رسول، عاشقان غوث و داتا، نبی پاک کی عزت و حرمت پہ کٹ مرنے کے جذبے سے سرشار میرے انتہائی قابل احترام مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عقیدہ ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ
इस अकीदे को छेड़ना इमारत इस्लाम को मुनहदिम करने के मुतरादिफ है। बुनियाद है ये इस्लाम की शरीयत की। यही वजह है जब इस अकीदे का इनकार हुआ तो सिद्दीक अकबर ने रदी अल्लाह ताला अन्हो ये नहीं पूछा कि वो लोग कलमा पढ़ते हैं नहीं, नमाज पढ़ते हैं नहीं, उन लोगों की नमाज कलमा का कोई एतबार नहीं जो खत्म नबुव्वत के अकीदे का कायल नहीं। कुरान पाक की नस से जो मसला साबित हो बलाकिर रसूल अल्लाह खातम नबीयीन और नबी पाक ने इसका माना खुद बता दिया, इसमें कोई इख्तिमाल शक शुबा नहीं रहा कि खातम नबीयीन का माना क्या है। कुरान पाक की तफसीरों में सबसे मजबूत तफसीर तफसीर बिल हदीस है, जिस आयत का माना रसूलुल्लाह ने खुद वाज़े फरमा दिया उसमें शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं कि खातमुन नबीयीन का ये माना है कि वो माना है। नबी पाक ने खुद फरमा दिया इसका माना ये है, आना खातमुन नबीयीन ला नबीया बाद, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये अलग बात है कि हमारे आका सारे नबियों से अफजल है, उसके लिए दलाल बेशुमार हैं। इस आयत का ये माना करना गलत है कि खातमुन नबीयीन का माना अफजलुन नबीयीन है, खातमुन नबीयीन आखिरी नबी ये माना नहीं, गलत बात है। जो खत्म नबुव्वत का इनकारी है हमारी जंग उसके खिलाफ भी है, और जो उनका कजन है हमारी जंग उसके खिलाफ भी है। और ये सुन लें कुरान पाक की आयत बरकत के लिए पड़ी है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक के आगाज में ही बिल्कुल आ जाता है, कुरान पाक खोलो दाएं हाथ पे सूरह फातिहा लिखी है, बाएं हाथ पे सूरतुल बकरा, उसी सफे पे ये लिखा है कि कुरान से हिदायत हासिल करने वाले जो खुशकिस्मत हैं। कुरान सब के लिए हिदायत है मगर सब कुरान से हिदायत लेते नहीं। वो खुशकिस्मत सआदतमंद जो कुरान से हिदायत हासिल करने वाले हैं मुत्तकी, उनकी निशानियां कुरान में बयान की, उनमें से एक निशानी ये भी है। अल्लाह करीम अपने महबूब को खिताब फरमा रहे, महबूब कुरान से हिदायत हासिल वही करते हैं मुत्तकीन जिनकी निशानियों में से एक निशानी ये है, जो उस पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल किया गया और उस पर भी ईमान लाते हैं जो आपसे पहले नाजिल किया गया। जमाने तो तीन है भाई, आप पर नाजिल किया गया उसको भी मानते हैं, आपसे पहले पहले माजी में जो नाजिल हो चुका उस पर भी ईमान रखते हैं, मुस्तकबिल जमाने का जिक्र नहीं, यूं नहीं फरमाया आपके बाद जो नाजिल होगा उस पर भी ईमान रखेंगे, इस वास्ते के बाद में नाजिल होना ही कुछ नहीं। नाजिल होता है बजरिया वही, वही नाजिल होती है नबी पर। जब हमारे आका के बाद नबी ही कोई नहीं आना, वही ही नहीं आनी, अल्लाह ने कुछ नाजिल ही नहीं करना, इस वास्ते आने वाले जमाने का जिक्र न करके भी खत्म नबुव्वत का इजहार हुआ कुरान पाक।
इतनी बात तो हुई आपसे, थोड़ी सी बात, जरा थोड़ा सा इक्तदार के नशे में मखमूर हुक्मरानों तक भी पहुंचा दूं। हमें हुक्मरानों की जात से मुखालफत नहीं, ना ही किसी सियासी मसला के लिए हम मैदान में आए हैं। ये उनकी बदअमली के खिलाफ निकले हैं, बदअहदी के खिलाफ निकले हैं और बदअकीदगी के खिलाफ निकले हैं। हालांकि जितना फर्ज हम पर है खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज करना, उससे ज्यादा उन पर है। यही उनको बताने आए हैं, यही उनको तवज्जो दिलाने आए हैं। अपना फर्ज पहचानो। मुसलमानों की हुकूमत की हुक्मरानी करनी है तो फिर मुसलमानों के अकायद का तहफ्फुज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो, अफसोस की बात नहीं है, डूब मरने का मकाम नहीं है कि मुसलमान रियासत हो, इस्लाम के नाम पर मर्ज वजूद में आई हो, मुसलमानों के वोट लेकर इस्लाम का वादा करके बंदा मसनद इक्तदार पर पहुंचे, मुसलमानों के वोटों से कलमे सुना सुना के, तो फिर कितने शर्म वाली बात है। डूब मरने का मकाम है उन हुक्मरानों के लिए कि मुसलमान उनसे ये मुतालबा करने आए कि जनाब खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज करो। ये कोई बात है करने वाली? अफसोसनाक सूरत हाल है कि मिल्लत इस्लामिया हुक्मरानों से ये मुतालबा करने के लिए मैदान में आई है कि खत्म नबुव्वत के अकीदे को तहफ्फुज दो, उस पर डाके न मारो न मारने के रास्ते दो। जो इस अकीदे का कायल नहीं वो मुस्लिम रियासत की हुक्मरानी के लायक नहीं। दूसरी बात, अवलन तो ये हाजरीन के सरों की गिनती भी मुमकिन नहीं, पर इनके सरों को मत गिनो, उस कुव्वत को मलहूज खातर रखो जो इनको छलांगे लगाने पर बरंगेख्ता कर रही है। जज्बे को भी नजरअंदाज न करो, उस जज्बे को मत भूलो जो जज्बा इनको दूर दराज मुल्क के कोने कोने से खींच के दाता साहब के कदमों में लाया है। वो जज्बा बहुत मजबूत है, उसको शिकस्त नहीं दी जा सकती। फिर इस नारे को भी देखो, ये माज कोई लफाजी नहीं है, लबैक या रसूल अल्लाह, इसकी एक रूह है, इसके अंदर एक कुव्वत का समुंदर मुजमर है। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले ये कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह तन मन धन जान माल औलाद सब आपके लिए हाजिर है। Labbaik, labbaik, ya Rasool Allah, labbaik।
ये कोई अमीर उल मुजाहिदीन अजीज मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज खादिम हुसैन साहब रदवी जीद मजदो हूँ वो मुद्दा जिलो हूँ, सारी बिरादरी नहीं है जो किसी बिरादरी के मसले पर गौर करने के लिए इन्होंने बुलाया तो आ गए। ये सिर्फ इनकी पार्टी के लोग नहीं है, किसी पार्टी में हो इस्लाम की हरारत उसके दिल में हो और अमीरुल मोमिनीन अमीरुल मुजाहिदीन बुलाएं अकीदा खत्म नबुवत के तहफ्फुज के लिए तो लोग खींचे चले आते हैं। वो ये नहीं देखते पार्टी कौन सी है, गांव कौन सा है, सूबा कौन सा है, बोली कौन से, देखते हैं बुलाया क्यों जा रहा है। इस वास्ते खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद 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 आज तारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद आज तारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद 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 आ गए आ गए आ गए साहब। ये थोड़ा सा माजी बईद में चले जाएं, थोड़ा सा ये नारा लगा करता था, हम भी सुनते थे, ताजो तख्ते खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ये नारा लगा करता था। ठीक है, हमारा भी अकीदा है ताज और तख्त खत्मे नबुव्वत का जिंदा है, जिंदा रहेगा, मगर वो लोग सिर्फ सिफत की हद तक रुक जाते थे, इस वसफ को जिंदा मानते थे, सिफत को जिंदा बात कहते थे, मौसूफ को जिंदा नहीं मानते थे। तो ये माजी बईद को भूल के जरा माजी करीब में आओ कुछ अरसे के बाद। ये तौफीक भी अल्लाह करीम ने हमारे अकाबिर हमारे असलाफ को बुजुर्गों को दी, उन्होंने मुतवज्जे किया उनको। अकल की कमी है तुम्हें, जिसका ताज जिंदा है वो ताजदार क्यों नहीं जिंदा, तख्त जिंदा है तो तख्त नशी क्यों नहीं जिंदा। तो ये नारा हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने मुतारफ कराया, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, और धूम मचा दी फिर अमीरुल मुजाहिदीन ने। अब हर किसी के जुबान पर है, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों से लेकर के बाबे तक हर कोई ये नारे लगा रहा है। अल्लाह ताला अमीरुल मुजाहिदीन के ताजदारे खत्मे नबुव्वत ग्रामीण जैसे बचाए धूम, तो फिर आखिर में ऐसी धूम मचनी है, ताजदारे खत्मे नबुव्वत अभी नहीं, आखिर में अभी तो जरा वो स्टार्ट हो रही ना बात, ताजदारे खत्मे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत अब जोर लगाना, ताजदारे खत्मे नबुव्वत तो ये अर्ज करने का मकसद ये था, लोग सियासी लीडर करोड़ों रुपए, अब तो करोड़ों भी इससे रह गया, अरबों रुपए खर्च करके, खरबों अरबों खरबों रुपए खर्च करके दूर दराज से हर किसी की डिप्टी सरकारी मुलाजमीन की बसें बुक कराने के लिए पैसे, लोगों को बुला बुला के मुफ्त सैर कराने की, यादगार दिखाने की फलांच दावत दे के इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर सकते। जितना एक आशिक रसूल के
आवाज पे लबैक कहने वाले एक आवाज पे एक दावत पे इकट्ठे हैं। میری علماء و مشائخ اہل سنت سے درخواست اور اپیل ہے، جہاں کہیں بھی ہیں ملک کے کونے کونے میں، سیاسی مسئلہ نہیں، اس ایمانی اعتقادی بنیادی مسئلے پر جس طرح کی حمایت کر سکتے ہیں ہر حال میں ضرور کریں، ورنہ مجھے آپ نے جواب نہیں دینا، مولانا خادم رضوی صاحب کو جواب نہیں دینا، جواب رسول اللہ کو دینا ہے میدان قیامت میں۔ جو ہیلا بہانہ یہاں شاگردوں اور مریدوں کے سامنے کر سکتے ہو وہاں وہ نہیں کر پاؤ گے، وہاں وہ نہیں کر پاؤ گے، زبان سے نہیں بولو گے، عذاب بول پڑیں گے۔ اس واسطے اس وقت سے اس وقت کو یاد کرو جب رسول اللہ کا سامنا ہونا ہے، اس واسطے ہر کوئی اپنا فرض ادا کرے۔ میری دعا ہے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر، نفاذ نظام مصطفیٰ کی خاطر، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر، جہاں جہاں کوئی بزرگ جس انداز سے بھی کوئی کردار ادا کر رہا ہے اللہ کریم سب کو بہترین انعام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، عزت لایا عظمت لایا، امن سکون محبت لایا۔